अस्सलाम वालेकुम, मैं अनोई सिद्दीकी। आज हम बनाएंगे मटन कढ़ाई, वो भी ब्लैक पेपर में। इसको बनाना नहायत ही आसान है, तो चलिए चढ़ कर बनाना शुरू करते हैं। देखिए, बहुत ज़्यादा मज़ेदार का बनता है, और एक बार इंशाल्लाह आप इसको बनाएंगे तो लाजमी इसको अगेन भी ट्राई करेंगे। और सबसे अहम बात, अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको बनाना शुरू करूँगी। अब तो यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया है ये मेरे पास से धनिया, काली मिर्च का पाउडर, नमक, हल्दी, और ये मेरे पास है ज़ीरा। ये 1-1 टेबल स्पून भर भर के मैंने इस्तेमाल किया। 4 अदद मैंने टमाटर इस्तेमाल किए हैं, 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज, और 3 जो है जवे जो है मैंने सॉरी 6 अदद जवे जो है मैंने इसका लिए लहसुन कर लिया। एक पतीली मैंने लेना है, और इस पे मैंने हाफ़ के जी जो है मटन ऐड कर देना है। मटन जो है आपका किलो है, तो आपने उसके मिकदार से मसालों की क्वांटिटी बढ़ा देनी, ठीक है। इस तरह मैंने यहाँ पे मसाले भी ऐड कर देने हैं, साथ में ये वाले जो मेरे पास नमक, हल्दी जो है, और हल्दी जो है मैंने हाफ़ से भी हाफ़ टेबल स्पून यूज़ किया है, और बाकी जो है इसमें मैं 4 कप पानी ऐड करूँगी। मैं पतीले में बना रही हूँ, तो आपने अगर कुकर यूज़ करना है तो पानी जो है आप एक ग्लास ही रखेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं 45 मिनट के लिए इसको कुक करूँगी कवर करके। तो आप देख सकते हैं 45 मिनट के बाद ये जो मैंने इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं डाला है, तो ये जो है इस ये 45 मिनट के बाद बहुत अच्छे कुक हो गए हैं। यहाँ पर मैंने लेनी है एक कढ़ाई, जिसमें मैं सारा इसमें ये पके हुए जो मैं मटन इस पर ऐड करूँगी। तो आप देख सकते हैं सारा मैंने मटन इस पर ऐड कर दिया है, और ये बहुत अच्छे गल चुके हैं। अब यहाँ पर देखें, ये लहसुन और सारी चीज़ें बहुत अच्छे से गल गई हैं, और टमाटर के आपको छिलके अगर निकालने हो तो आप इस तरह से ईज़िली निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं स्पून की मदद से चम्मच इसके टमाटर के सारे छिलके को निकाल रही हूँ, ताकि जो एक लुक होता है इसमें, वो कढ़ाई का जो एक लुक होता है, तो छिलके वगैरह आए तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से बहुत अच्छे से आपके छिलके इसमें से रिमूव हो जाते हैं, और चम्मच की मदद से आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना। आप देख सकते हैं हर चीज़ बराबर बहुत अच्छे से ज़बरदस्त तरीके से पक गई, ठीक है। अब इस पॉइंट पे मैं धनिया ऐड करूँगी। हल्दी के अलावा हर चीज़ जो है मैंने भर भर के 1-1 टेबल यूज़ किया है, ठीक है। यहाँ पर मैं दही जो है 3 चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, फेंटा हुआ दही जो है। दही जो है आपने फेंट के इस्तेमाल करना, वरना वो ये सालन में दाने दाने से आ जाए तो वो सारा सालन बदसायका और ख़राब लगता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने ऐड किया है 1/2 कप जो है घी मैं यूज़ कर रही हूँ। आपने भी सेम घी का ही इस कढ़ाई पे यूज़ करना है, तेल जो है कोई भी नहीं जाएगा, सिर्फ अपने घी का इस्तेमाल करना है, रेगुलर घी जो हम लेते हैं। अगर आपके पास देसी घी है तो ज़बरदस्त, वेल डन, आप इसको वो भी घी इस पे यूज़ कर सकते हैं। और इस पॉइंट पे मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे अदरक जो था, मैंने अदरक ऐड नहीं की थी, अदरक और ये मोटे वाले जो मेरे पास हरी मिर्चें जो होती हैं, वो मोटी वाली मिर्चें मैंने 4 अदद ली थी, और ये 1/2 इंच का टुकड़ा था मेरे पास, इसको मैंने मोटा मोटा सा कूट लिया है और उस पर ऐड कर दिया है। इससे आपका टेस्ट जो है बड़ा ज़बरदस्त आएगा। 15 मिनट तक मैंने इसकी भुनाई करनी है बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि हमारे सारे मसाले अभी कच्चे थे। 15 मिनट के बाद मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ भर के 1 टेबल स्पून जो गरम मसाला, और भर के सेम 1 टेबल स्पून जो है मेरे ब्लैक पेपर, काली मिर्चों का, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको बहुत अच्छे से चला लूँगी, और तकरीबन 2 से 3 मिनट तक है मैं इसको चला के दम दूँगी। ज़्यादा आपने इसको दम नहीं देना है, ठीक है। तो इसकी मिक्सिंग आपने बहुत अच्छे से कर लेनी है, और दम देने के लिए आपने इसको 2 से 3 मिनट लो मीडियम फ्लेम पे जो है आपने इसको दम लगाना है। कि टोटली बहुत अच्छे से देख सकते हैं तेल सेपरेट होने लगा है, और कवर करके मैं रख रही हूँ 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि बहुत अच्छे से पक जाए। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह इसका लुक। ये मटन कढ़ाई बहुत ही आसान तरीके से और ज़बरदस्त तरीके से बनकर तैयार हुई है।
तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इसी तरह अच्छी और ज़बरदस्त वीडियो के साथ फिर आपके साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए आपने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल और मुझे देना है इजाज़त। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।